ढाबे जैसी दाल तड़का की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। अगर आपके घर की दाल ढाबे जैसे नहीं बनती तो आज मैं दाल बनाने के सारे सीक्रेट्स शेयर करूँगी, जिससे आपके घर की दाल तड़का बिल्कुल ढाबे जैसे बनेगी। तो चलिए बनाते हैं दाल तड़का। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने तुअर दाल ली है, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। ये एक कप है और साथ में ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चौथाई हिस्सा ली है। तो मैंने ये जो कटोरी है इसका मेजरमेंट यूज़ किया है, एक कप ये और बिल्कुल थोड़ी सी हमने ये मूंग की दाल ली है। यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप करके रखा है। दो टमाटर को इसी तरह से मैंने रफली चॉप किया है। दो चम्मच यहाँ पर लहसुन को मैंने बारीक चॉप करके रखा है। एक चम्मच अदरक को चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने दो चम्मच लिए हैं जीरा के। एक चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच है गरम मसाला, एक चम्मच कसूरी मेथी है, साथ ही में हमने यहाँ पर आधा चम्मच हींग ली है, एक चम्मच हल्दी पाउडर है, दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, यहाँ पर हमने सूखी हुई लाल मिर्चें ली हैं कुछ। हमने यहाँ पर देसी घी लिया है, जैसे यूज़ होगा हम यूज़ करेंगे। कुछ हरा धनिया है चॉप किया हुआ। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करेंगे। तो चलिए अपनी दाल तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो कुकर में हम दाल को सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। तो ये जो भिगोई हुई दाल है, इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, तो इसे मैं डाल देती हूँ कुकर में। साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं मूंग की दाल। तो दोनों दालों को हमने डाल दिया है और इसमें अब हम डाल देंगे, एक कटोरी हमने तुअर की दाल ली है तो हम इसमें तीन कटोरी जो है पानी का डाल देंगे। यहाँ पर पानी मैंने मेजर करके रखा है तो ये पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हम इसमें बिल्कुल थोड़ा डाल रहे हैं, अब थोड़ा हम तड़के के टाइम डालेंगे। साथ ही में हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और कुछ हल्दी हम तड़के में डालेंगे। इसमें हम बॉईल करते हुए अदरक भी डाल देते हैं। तो चलिए इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं और इसे हम बॉईल करेंगे। दो विसल इसके होने के बाद इसे हम स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर इसे गैस से हम उतार लेंगे और पूरा जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तब इसे हम खोलेंगे। तो यहाँ हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं और दाल को हम कर लेते हैं बॉईल। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है हम दाल का तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे। इसमें हम डाल देते हैं घी थोड़ा सा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा यहाँ चटकने लगा है तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हम हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें लहसुन डाल देते हैं, आधा डाल देते हैं, आधा हम बाद के तड़के में डालने वाले हैं। आज हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं दाल। तो ढाबों में क्या होता है, एक बार वो दाल को बॉईल करके इस तरह से एक तड़का मार के रख देते हैं और जब कोई ऑर्डर आता है, कोई कस्टमर आता है, तो उसके ऊपर एक सेकेंड तड़का मारते हैं। उस वजह से उनकी दाल का जो है ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आज हम उसी तरह से दाल बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज जो है हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे टोमेटो और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक ये टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। साथ ही में हम इसे गैस को जो है हम थोड़ा सा लो फ्लेम कर देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं धनिया पाउडर, साथ ही में हल्दी डालते हैं हम इसमें। लाल मिर्च पाउडर में से आधी लाल मिर्च हम अब डाल रहे हैं। हमारी यहाँ विसल हो चुकी है एक, फ्रेंड्स आपने सुना होगा। दूसरी विसल होने के बाद हम गैस को कर देंगे लो फ्लेम पे। तो हमने यहाँ पर आधी मिर्ची डाली है, आधी जो है हमने रख दी है। सेकेंड विसल भी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं लो। साथ ही में हम यहाँ पर डाल देंगे कसूरी मेथी। टमाटर यहाँ हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक हमने बॉईल करते हुए बहुत थोड़ा सा डाला था तो अब बाकी दाल के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मसाला जो है हमारा रेडी है। दाल भी हमारी बॉईल हो चुकी है तो हम दाल को डाल देते हैं इस तड़के में और तड़के के साथ हम दाल को कर लेते हैं मिक्स। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आपको जैसे थिक चाहिए या थोड़ी सी पतली चाहिए, आप वैसे बना सकते हो। तो ये हमारी दाल जो है रेडी हो गई है। बस एक तड़का अब लगाना है इसको और बिल्कुल ढाबे वाली हमारी तड़का दाल तैयार हो जाएगी।
इस पे हम डाल देते हैं हरा धनिया और इसे हम उतार लेते हैं और एक तड़का पैन रखते हैं गैस पे। तड़के पैन को रख दिया है गैस पे और हमने इसमें 2 चम्मच जो हैं डाल दिए हैं घी के। घी गर्म हो चुका है, हम फ्लेम को कर देते हैं लो। इसमें हम डाल देंगे जीरा, जीरा के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हींग, साथ ही में हम जो लहसुन हमने रखा था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। हमने इसे लो फ्लेम पे ही बिल्कुल अच्छे से करना है फ्राई, लहसुन अच्छे से पक जाए। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे कुछ ये लाल मिर्ची जो हमने ली है, इससे जो है ना दाल का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये हल्की हल्की देखिए लो फ्लेम पे ही इसे हम कर रहे हैं। और फाइनली इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च और अच्छे से इसे एक स्पून से मिक्स कर लेंगे तड़के के साथ। तड़का हमारा तैयार हो गया है, तो चलिए इसे हम अब दाल के ऊपर डाल देते हैं। तो तैयार तड़के को हम डाल देते हैं दाल पे और देखिए कितनी बढ़िया इसमें से खुशबू आने लगी है। फाइनली जो हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया था वो भी हम डाल देते हैं और इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से ढक देते हैं, उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे हमने ढक दिया है, 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन को उतार लेते हैं और दाल को हम मिक्स कर लेते हैं। और हमारी ढाबा स्टाइल तड़का दाल बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका, ये सेकेंड तड़के के बाद दाल का कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया है। तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। ढाबा स्टाइल दाल तड़का बन के बिल्कुल तैयार है, इसे हमने सर्विंग डिश में डाल दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।